सांस फूल रहा है बहुत। तीन चार दिन पांच दिन जॉगिंग करके आना। तो मुश्किल वाला तो कर लिया है, अभी छोटा सा एक पैच रह गया है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो। बैक और बॉटम तो डैमेज हो गया। अच्छा जी, और आज थाइस लेग्स और पीछे बैक था। ये तो अभी दुखी हैं आते हुए, ये दुखेंगे जाते हुए। सो गाइस, आज है डे टू और हम लोग निकल रहे हैं कुल्लू से बिजली महादेव, और यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है शान भाई? 25 किलोमीटर के आसपास तो है वैसा, 20 25 के आसपास तो हमारा रहेगा बाइक का ट्रैवल, और उसके बाद हम करेंगे 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं और ये मेरे राइट में जो है ये है एग्ज़िट है, जो बस स्टैंड है यहाँ पर कुल्लू का, उसका एग्ज़िट है ये। पर आप देख सकते हो उधर पूरी बिल्डिंग नहीं बन रही है, और ये देखो। सो यहाँ से हम सीधे जाएंगे और यहाँ सामने आता है अखाड़ा बाज़ार। अखाड़ा बाज़ार क्रॉस करने के बाद हमें फिर एक टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद हमें फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करना है बाइक से, और लगभग 20 से 25 किलोमीटर हम चलेंगे। उसके बाद हमें चंदसारी एक जगह आएगी, चंदसारी के बाद हमें फिर ट्रैकिंग करना है वहाँ से। बाकी हम ट्राई करेंगे कि ऊपर तक अगर बाइक से जाएं, बट जो एडवेंचर है वो वही है कि हम ट्रैकिंग करके जाएं, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। और हमें अच्छे से खाना वाला खा लिया है, क्योंकि वहाँ पे चलते हुए भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपका खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है, आप काफ़ी हाइट है, काफ़ी चलना होता है, काफ़ी बड़े बड़े स्टेयर्स हैं वहाँ पर, उनको चलना पड़ता है हमें। अभी से क्रॉस करेंगे और वहाँ से हमने दूसरा रास्ता लेना है, फिर उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाना है। चलते हैं। वो रास्ता है जो बिजली महादेव जाता है, आप देख सकते हैं चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और बाइक को काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं भाई यहाँ पे। और बस ऐसे ही ये काफ़ी नैरो है, पतला सा रास्ता है, एक गाड़ी के साथ एक बाइक ही जा सकती है। अब आप सामने देख सकते हैं कि दो कार अगर है तो कैसे उनको निकलना होता है, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। चलो करो कटिंग सही से। तो इस तरह का कंडीशंस है, तो अगर आप बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं तो सोच समझ के आए, बेहतर है आप बाइक से करें या फिर पैदल जाएं। पैदल भी जा सकते हैं, कुछ लोग एक शॉर्ट रास्ता है पैदल जाने के लिए, उससे भी जा सकते हैं आप। आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ गांव है, और दोस्तों मैं समझता हूँ यहाँ की जो लाइफ है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर वो साजो सामान इतना इजीली नहीं मिल पाता जितना इजीली आपको नीचे मिल जाता है। तो कुछ लोगों को मतलब कुछ इमरजेंसी होती है तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, नीचे जाना पड़ता है। गाइज, हमने चंदसारी को नीचे छोड़ दिया है, उधर नीचे है चंदसारी, और थोड़ा ऊपर आ गए हैं हम लोग। और हमारा इरादा है कि अभी इस रास्ते से हम और आगे जाएंगे, और वहाँ से ट्रैकिंग थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उस वाले रास्ते से हम कभी गए भी नहीं। और चूंकि हमारे आमिर हैं ये काफ़ी थक गए हैं, हमारे सादिक भाई भी बहुत थक गए हैं, मतलब कल की थकान उतनी नहीं है। सो वी प्लान टू गो बाई दिस रूट, एंड आफ्टर दिस रूट द ट्रैकिंग इज़ वेरी यू नो लिमिटेड, सो वी डोंट हैव टू ट्रैक सो हार्ड। और यू कैन सी देयर, वहाँ पे पूरा कुल्लू आपको दिख रहा है सी, और देखो वहाँ पे ना एक वाइट सा कुछ दिख रहा होगा आपको, वो मतलब एक फॉर्म हाउस है कुछ है मतलब, और आप सोचें इमेजिन करेंगे आपका घर वहाँ पे है अकेले में बिल्कुल, नो टेंशन। तो ये नीचे पूरा कुल्लू आपका कुल्लू सिटी है,
और सामने आप देख रहे हैं वो भीखली है, उधर वो भीखली वाला है, और उसके पीछे आप देख सकते हैं फ्रेश स्नोफॉल सबसे टॉप पे, आप देखिए बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है वहाँ पे ऊपर, क्योंकि वो जो मेल्ट हो गया था, अब चूंकि आपको पता ही है सेप्टेम्बर में स्नो आने लगता है। और उधर आप देख सकते हैं रोहतांग वाला एरिया है, वो वहाँ पे भी फ्रेश स्नोफॉल आ गया है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। हाँ डाट, ये डाट है जी, और यहाँ से हमारा जो ट्रैकिंग है वो शुरू होती है। सो हम लीड करेंगे, पीछे रहबर बन के जाएंगे, सबसे लास्ट में हम रहेंगे, और इस तरह की स्ट्रेस है यहाँ पे। और मैं आपको राय देता हूँ एक बीच की स्पीड बना के रखें, ज़्यादा तेज ना चले। स्लो चलो भाई, ओए ओए जज्बाती लड़को, धीरे धीरे चलो, स्लो चलो, लंबे चलोगे। गाइज अभी हमने 200 कुछ स्टेज चढ़े हैं, और आप देख लीजिए कितना सांस फूलने लगा है, उम्र का तकाजा या ओवरवेट की वजह से या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस या कुछ भी सोच लीजिए आप। सांस फूल रहा है बहुत, 3-4 दिन 5 दिन जॉगिंग करके आना। तो ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये देवदार के पेड़ हैं, और किसी किसी पेड़ की हाइट तो 200 फुट तक जाती है, देखिए आप कितने लंबे लंबे हैं। और ये हिमाचल के अंदर या हिल स्टेशन की अगर बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो सबसे महंगी लकड़ी है, और कमर्शियल यूज़ में आने वाली लकड़ियों की सबसे सुपीरियर क्वालिटी में से एक है, और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी अच्छी बात यह है, ये पानी में ख़राब नहीं होती, और ये इसके फ्लावर्स होते हैं, देखिए आप। इसको कुछ लोग डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं, कलर वगैरह करके। ये मेरा चौथा टाइम है, मैं बिजली महादेव जा रहा हूँ, और इस बार बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है पिछली बार के मुकाबले। सन 2017 में आया था मैं एक बार, तब मेरा वेट 85 था, अभी 92 है। अब की स्टैमिना बोले तो स्टैमिना कम हो जाता है आपका बहुत, और आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। ये देखिए आप कुल्लू उधर से, और हम धीरे धीरे चढ़ ही रहे हैं बस स्लोली, और उधर से आप देख सकते हैं नीचे हर स्टेप पे आपको 1 फुट का या 8 इंच का हाइट इंक्रीजमेंट दिखेगा। तो मुश्किल वाला तो कर लिया है, अभी छोटा सा एक पैच रह गया है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ऊपर टॉप पे है टेंपल, और यहाँ पर एक ये छोटी सी झील है, और एक वो है जो दोनों सूख गई है लगभग, ये रहती है यहाँ पे दो, जब स्नोफॉल हो जाता है तो यहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, और कुछ शॉप हैं या छोटे छोटे ढाबे हैं, अगर आप कुछ रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो यू कैन हैव रिफ्रेशमेंट हियर, चाय है और अंडा ब्रेड ऑमलेट वगैरह ये सब मिल जाता है इधर, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये शॉप है यहाँ पे, एक मेरे ख्याल से अकेली शॉप है ना आपकी इधर, तो यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए या सिस्टर के लिए गिफ्ट वगैरह लेना हो तो यहाँ से याद के तौर पर ले जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये पास से दिखा देता हूँ, ये सब आइटम यहाँ पे मिल जाती हैं, पूजा का सामान ये सब है यहाँ पे ना। वेल अभी थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है, बस ऊपर तक पहुँचना है, और उसके बाद फिर वहाँ से तो फुटबॉल की तरह रेड़कते हुए आ जाएंगे, क्योंकि उधर से ऊपर से आना मुश्किल नहीं है। चले फ़ोन ले लेता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास। मैं तो चढ़ गया हूँ यहाँ, और वो लोग देखो वहाँ वहाँ क्या कर रहा है भाई। एक्चुअली उन्होंने कुछ वहाँ पे कुछ निशानी छोड़ी थी पेड़ पे, छोड़ी तो मैंने भी थी उधर, और मैं भी जाऊँगा मेरी वाइफ के लिए मैंने कुछ, हालाँकि मैं तो गंदी हरकत लिखना पेड़ पर, लेकिन मैंने लिखा था उस टाइम पे 2013 में, और ये बेवकूफ़ी है मेरी, आई एम सॉरी
टू गॉड फॉर दिस, बट मैं हो गया था तो बस मैं जाऊंगा फिर भी देखने के लिए उसको, पर एक याद है, एक मेमोरी है। वेल, अभी हमने चाय ली है और हमारा इंजन हो गया है गर्म, जो कि सुस्त हो गया था यहाँ तक आते आते, और आमिर ने जस्ट लास्ट आमिर ने फिनिश किया है और हमने सभी ने, मैंने तो ली नहीं। आमिर भाई, यहाँ तक आते आते क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम इधर आए और दूर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, उधर तो बर्फ भी है। अच्छा, बॉडी का कौन कौन सा सामान दुखा है? बॉडी का जैसे कि कल देवबंद से कुल्लू तक आए तो बैग तो फिर पूरी ये तो अभी दुखी है आते हुए, ये दुखेंगे जाते हुए जब एक्सरसाइज होगी ना, और ये टखने होते हैं ना नीचे वाले। और जी सादिक भाई, आपका क्या क्या सीन है, आपका बताइए, आप क्या तजुर्बा है अब तक का? नहीं बोल सकता है, मतलब इतने परेशान है कि बोल नहीं सकते। और चांद भाई, आपका? मेरा तो हर बार नया एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, जैसे कि लास्ट टाइम आपने 1.5 घंटे में किया था, इस साल जैसे कि हमने आधा किया है, मतलब पहले तो हमने 3 किलोमीटर का हाइक किया था ना लास्ट टाइम, इस बार क्या है हमने 1.5 किलोमीटर का है ना, तो अभी हमें एक घंटा लगा, यानी 30 मिनट का इंक्रीज हो गया है। ढाई घंटे लगे थे, लेकिन फिर इस बार हमने 1 घंटे में, यानी इस बार थोड़े चुस्त होकर आया वो पहले। तो आपने हमारे तजुर्बात, हमारे जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो समझ लिए हैं, सुन लिए हैं। तो आप जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, वो है बिजली महादेव का टेंपल, और जिस पिलर की मैं आप बात कर रहा था, एक पोल है पूरा का पूरा, पिलर तो नहीं कह सकते, पोल कहेंगे इसको हम, और ये लकड़ी का है, देवदार का है, सिंगल पीस से बना हुआ है, और इसकी हाइट तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग 50 फुट की तो होगी, 40-50 फुट की है चंद भाई, 40-50 फुट की होगी। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये है वो टेंपल बिजली महादेव, और वो मेन टेंपल है, और वो पिलर, और यहाँ पर अपने बैग वगैरह रख सकते हैं आप, और ये पीछे का रास्ता है, और ये देख सकते हैं आप इधर, और ये है एंट्रेंस टेंपल का, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और जाके पूजा कर सकते हैं, और ये मूर्तियाँ। और दोस्तों, ये पिलर है जो मैंने आपको दिखाया था दूर से, पूरा एक ही लकड़ी से बना हुआ है, बहुत लंबा है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, सो यू कैन सी यहाँ पर एयरपोर्ट है जो भुंतर में, वो आपको विजिबल रहेगा इजीली यहाँ पे। ये देखिए, भुंतर का एयरपोर्ट यहाँ से पूरा विजिबल है। ये हमारी डेस्टिनी जहाँ पे हमें आना था, आज का व्लॉग यहीं तक था, और आई होप कि मैं आपको वो सब कुछ दिखा पाया हूँ जो यहाँ की ब्यूटी है। और अगर आपको ये ब्यूटी अच्छी लगी है, ये चीज़ें, ये प्लेस अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और आगे जाऊँ, अगर मैं और आगे जाऊँगा तो फिर ऐसे ही और आगे नीचे थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, सो हाँ थोड़ा सा केयरफुली जाना होगा यहाँ से। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे जाने के लिए मना भी किया जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे भुंतर दिख रहा है, भुंतर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं दो नदियों का मिलाप होता है, ये देखिए। सो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अब हम कहेंगे बाय बाय आपको, और अब हम कुछ फ़ोटो खींचेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है, व्लॉग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।